हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट इंडियन ऑटिस्टिक गर्ल। आज जो मैं है दिल की बात का पांचवा एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हुई हूँ और इसमें मैं सुनाऊंगी अपना अनुभव कि किस तरह से मैंने आयुषी को जो है स्कूल में 6 घंटे बैठना सिखाया था। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हम लोग पहले रावतभाटा में रहते थे। मेरे हस्बैंड का जॉब जो है वो RIPP में था और हम वहाँ पर रहते थे। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी तो उन्होंने एक प्ले स्कूल खोला था घर में ही एक रूम में, तो वहाँ पर मैंने आयुषी को सबसे पहले भेजना स्टार्ट कर दिया था। और वहाँ पर जाकर के जो है आयुषी एक नोटबुक और पेंसिल लेके जाती थी और स्क्रिबल करके आ जाती थी। उस समय भी मेरे को थोड़ा लगता था कि सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा लिखते हैं और अच्छे से खेलते हैं, लेकिन आयुषी जो है वो किसी से भी आई कॉन्टेक्ट भी नहीं बनाती थी और बस वो स्क्रिबल करके आ जाती थी। लेकिन उन आंटी ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया था और उनकी जो बाई थी वो आयुषी के पीछे पीछे घूमती थी क्योंकि आयुषी एक जगह पर उस समय नहीं बैठती थी। तो उसके बाद रावतभाटा में हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छा प्ले स्कूल खुला था जहाँ पर कि बहुत सारे पजल्स थे करने के लिए, जो मैं जिस तरह के मैं यहाँ मुंबई में स्पेशल स्कूल्स में और स्पीच थेरेपिस्ट के पास देख करके गई थी। तो वहाँ पर फिर हमने उसको एडमिशन दे दिया और 3 घंटे की मैंने परमिशन ली और मैं वहाँ पर 3 घंटे आयुष के साथ रुकती थी। उसके बाद यहाँ के जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनसे हमने पूछा कि इसे मतलब 3 घंटा किस तरह से रुकाया जाए, तो उन्होंने बताया मुझे कि आप बच्चे को विश्वास में लेकर के पहले उसे 2 मिनट के लिए छोड़िए, 5 मिनट के लिए छोड़िए, बाकी टाइम आप उसके साथ रहिए और इस तरह से आप 3 घंटे उसे धीरे धीरे छोड़िए तो उसका विश्वास भी खत्म ना होगा। तो इस तरह से फिर मैंने उसे 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा और इस तरह से फिर 3 घंटा मैंने उसे वहाँ छोड़ना शुरू किया। वहाँ पास में मेरे इन-लॉज का घर था तो मैं वहाँ चली जाती थी और उसके बाद फिर जो है 3 घंटे तक आयुषी बैठने लगी और वहाँ की टीचर्स के साथ भी धीरे धीरे वो कॉपरेट करने लगी थी। और उसके बाद हमें मालूम हुआ कि कोटा में जो कि रावतभाटा से 50 किलोमीटर दूर है वहाँ पर भी एक जो है स्पेशल स्कूल खुला है बच्चों का, तो हमने वहाँ पर फिर आयुषी को एडमिशन दे दिया। और वहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे कोटा में तो मैं अप डाउन कर लेती थी और दो दो बार वीक में मैं रावतभाटा आ जाती थी, बाकी दिन मैं मम्मी पापा के पास रह लेती थी। तो इस तरह से वहाँ पर फिर आयुषी 6 घंटा बैठना सीख गई थी और आराम से वहाँ पर आयुषी सब एक्टिविटी भी करती थी, थोड़ा सीख भी रही थी। उस समय हमारा मेंटल स्टेटस बहुत ऐसा रहता है, हम अपने फ्रेंड्स के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में हम कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है। तो हमें अपना मेंटल स्टेटस जो है सही रखना चाहिए। उस समय हमारी एज भी कम होती तो हमारे साथ ये सब होता है, लेकिन फिर भी हमें इसीलिए मैं ये वीडियो मैंने बनाया है कि जो कि कम एज के पेरेंट्स हैं, जो अभी नए नए मम्मी पापा बने हैं ऑटिस्टिक बच्चों के, तो उनको थोड़ा सा अपना मेंटल स्टेटस सही रखना पड़ेगा। आप योगा वगैरह कीजिए ताकि आप शांत रहेंगे और कंपेयर मत कीजिए अपने बच्चे को नॉर्मल बच्चों से। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारा आयुषी भी 5 साल की हो गई थी और हमारा ट्रांसफ़र जो है मुंबई हो गया था। मुंबई में आने के बाद हमने उसे यहाँ का जो हमारा डिपार्टमेंट का स्कूल था उसमें डाला और वहाँ आयुषी 6 घंटा रुक गई थी। और उसके बाद हमें मालूम हुआ कि एक सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वाशी में स्कूल है, तो 7 साल तक वहाँ फिर हमने डाला आयुषी को। वहाँ शुरू में उन्होंने 2 घंटा 4 घंटा रखा और उसके बाद 6 घंटे वहाँ पर भी आयुषी रुकने लगी थी। और वहाँ पर आयुषी ने काफ़ी कुछ सीखा, बैठना, खाना और पेंसिल पकड़ना और थोड़ा थोड़ा लिखना भी सीख गई थी। उसके बाद जो है फिर हमने वापस यहाँ हमारे डिपार्टमेंट वाले स्कूल में डाल दिया और तब से आयुषी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर रही है। और अभी वो वोकेशनल 3 साल से वोकेशनल की तैयारी करवा रहे थे स्कूल में और अभी वो इस साल 18 कंप्लीट हो गई है तो वो इस साल वोकेशनल में जाएगी। अभी उसका थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़े दिन बाद मैं उसे भेजूंगी। तो इस तरह से हमारी जो है जर्नी रही है और बहुत अप एंड डाउन आए, बहुत मेंटल स्टेटस खराब होता है फिर अच्छा होता है, लेकिन हमें क्या है मेंटली पूरा स्ट्रांग रह करके और बच्चे के साथ अगर हम निरंतर कोशिश करते जाते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर से जरूर होता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।